तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भारत मोदी निर्मित आपदाओं का शिकार हो गया है। इस ट्वीट पर राहुल गांधी ने भारत की गिरती जीडीपी से लेकर चीनी घुसपैठ तक पर सरकार को निशाने पर लिया। कोरोना के कारण जीडीपी में आई ऐतिहासिक गिरावट के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर एक के बाद एक हमले कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपदाओं के कारण भारत को परेशानी हो रही है। राहुल गांधी ने कोरोना से लेकर गिरती अर्थव्यवस्था और सीमा विवाद तक के मुद्दों को उठाया, सरकार पर निशाना साधा। दरअसल बुधवार को एक ट्वीट किया राहुल ने, 6 मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा। ऐतिहासिक जीडीपी में कमी 23.9%, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 12 करोड़ की नौकरी छूट गई, केंद्र राज्यों को जीएसटी बकाया नहीं दे रही है, वैश्विक स्तर पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले और मौतें, हमारी सीमाओं पर बाहरी आक्रमण। दरअसल केंद्र सरकार ने सोमवार को जीडीपी का डेटा रिलीज किया था। चालू वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल जून तिमाही में 23.9% की भारी गिरावट आई है। 40 सालों के बाद जीडीपी में ऐसी गिरावट देखी गई है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद से ही मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ चुकी है। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने मोदी सरकार को घेरा और कहा, मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के बारे में भले ही जितने मर्जी झूठ फैला ले, लेकिन सच को बाहर आने से कोई रोक नहीं सकता। साल 2019-20 में बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर जा पहुंची है, लेकिन मोदी सरकार ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ढिंढोरा पीटा। आज सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले क्वार्टर के जीडीपी की घोषणा की। ध्यान रहे 1996 से जब से क्वार्टरली जीडीपी के घोषणा का आरंभ किया गया, जब से लेकर आज तक ये जीडीपी की सबसे बड़ी गिरावट है। आज जीडीपी ग्रो नहीं करी है, क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 में जीडीपी ग्रोथ नहीं हुई है, डी ग्रोथ हुई है -23.9% की। ध्यान रहे इस 23.9% की डी ग्रोथ में एमएसएमई और इनफॉर्मल इकोनॉमी को अभी तक नहीं जोड़ा गया है। देश के सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि यदि हम एमएसएमई और इनफॉर्मल इकोनॉमी, जो कि लॉकडाउन में सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, अगर उनको भी हम जोड़ लें तो ये जीडीपी की डीग्रोथ जो आज -23.9% सरकार बता रही है, ये -30 से -35% पर जाके गिरेगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, आम आदमी शायद जीडीपी का वित्तीय प्रभाव तो नहीं जानता, पर ये जरूर समझता है कि मजदूरों के मुंह का निवाला छीनना जुल्म है, लोगों का नंगे पांव चलना, बसों का खाली खड़े रहना पाप है। मंगलयान चलाने वाली देश में एक लड़की का कई सौ किलोमीटर पिता को साइकिल पर ले जाना बेबसी है। हालांकि अर्थव्यवस्था की हालत पहले से ही संकटग्रस्त थी, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाया गया देशव्यापी लॉकडाउन और विनाशकारी साबित हुआ। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से मांग और निवेश में भारी कमी आई, लेकिन गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए एक बार फिर मोदी सरकार ने कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।